क्या आप इस मुकाम तक पहुंच चुके अक्षय पाजी के साथ, जहां बोलते हो कि मैं फोन उठाऊं और अक्षय जी को बोलूं कि कल मेरा गाना है, मैं चाहता हूं फीचर करें, बिना गाना सुने वो आपके साथ काम करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा। तो जब आप अब एक गाना निकालते हो, जैसे ये वाला गाना हुआ या पहले भी जब अपने अक्षय पाजी के साथ किया है, क्या होता है? क्या आप उनके सामने बैठे रहते हो, उनको गाना दिखाते हो, उनका वाइब चेक करते हो कि उनका रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है जब तक वो हाक है? मैं जब फिलहाल वन भी सुनाया था ना, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था, माने स्ट्रेट फेस था। हाँ, बस सुन के वो कहते अच्छा है, मैं नहीं पसंद आया इनको। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं म्यूज़िक वीडियो करूँगा। तो हमें जब तक वो गाना आ नहीं गया, हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े इंसान ने, इतने बड़े स्टार ने हमारे साथ काम करा। तो हमें आज तक यकीन नहीं होता हमारी टीम को कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो तो पहला वाला पार्ट के लिए हुआ, इस गाने के लिए क्या था? ये गाना हमारी एल्बम का पहला गाना है, जोरा जमीन का, और एल्बम को बनाते हमारे को ढाई तीन साल हो गए हैं। हाँ, तो हमने जब बनाया तो हमने उनको सुनाया, एंड ही सेड कि यार बहुत अच्छा गाना, और मेरे को नहीं लगता था कि वो कभी करेंगे, बट ही सेड कि आई विल डू दिस सॉन्ग। क्या आप लोग ब्रदर्स हो अभी, कह सकते हो भाई? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चा हूँ उनका, मैं ब्रदर। अरे बच्चे उनके? बच्चा, मैं आपका बच्चा हूँ भाई। आप उनके बच्चे हो, मैं आपका बच्चा हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे पोते की तरह मानते हैं। सच में? वेरी गुड। क्या आप कभी भी उठा सकते हो फोन, अक्षय पाजी को बोल सकते हो देखो मैं तकलीफ में हूँ, मैं कठिनाई में हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा वाला सीन है? 100% यस, बिल्कुल है। और वो आपको गाइड भी करते हैं? बिल्कुल। वो कौन सी एक बात उन्होंने आपसे कही जो आप जिंदगी भर अपने साथ रखते हो? वो कहते पैसा कमाओ बस। वैसे मुझे तो वो भी यही कर रहे हैं। मुझे भी पैसे से बहुत प्यार है पाजी। वो जब किचिंग आते हैं ना साउंड डिपॉजिट के बाद, बहुत सुकून आता है उससे। आपको भी पैसे से प्यार है? देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं बना, मैं अगर बोलूंगा नहीं है तो ये मैं अपने आप को है वो बोलूंगा कि यार मैं एम ही कर रहा हूँ, लोग फेक समझेंगे। तो सच्चाई बोलो, हर इंसान को पैसे से प्यार है, किसको नहीं है पैसे से प्यार? बहुत से लोग होते हैं यार डींगे मारते, ये मैं कर रहा हूं दोस्तों मोहब्बत के लिए, ये मैं कर रहा हूं प्यार के लिए, अंदर ही अंदर मैं कहता हूं घंटा। क्या कहता हूं मैं? बिल्कुल। आप आज इतने खुश है, कभी ऐसा हुआ है पाजी, दिल से बोलना, जब आप एक बार कोने में बैठ के रोने लगे आपस से और बोल रहे ये क्या हो रहा है? बहुत बारी हुआ है आपके साथ? हाँ, अक्सर हर एक इंसान के साथ होता है। और मैं ये एक ही बात बोलूँगा कि किसी के सामने मत रोना, भगवान के सामने बैठ के रो लेना, क्योंकि वो किसी बात के लिए स्वार्थ नहीं रखेगा, लोग स्वार्थ रख लेंगे। अरे तो यानी किसी के सामने रोगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी फैमिली के सामने रो लेना, औरों के सामने मत रोना, भगवान के सामने रो लेना। आप किसके सामने रोए थे? मैं भगवान के सामने ही रोता हूँ, फैमिली के सामने नहीं। उनके सामने भी नहीं कभी रोता ना, मैं भगवान से उसी के साथ बात कर लेता हूँ, वही है सब कुछ करने वाला इस दुनिया में, आपको चलाने वाला, मेरे को चलाने वाला, ये सृष्टि करता है वो। प्रतीक बच्चन आपका असल नाम है, राइट? बच्चन नाम में ही वजन है, आपने क्यों नाम बदला भाईजान? सर वो मैं, मेरे को ना देखो प्रतीक नाम ना, देखो अब आप बी प्राक बोल रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रतीक, बी प्रतीक बोलोगे तो वो कैसा लगेगा? तो वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ ही नहीं जच रहा था, इस करके हमने चेंज कर दिया। माने आपने चीज़ आपके माता पिता ने क्या बोला फिर? नहीं कुछ भी नहीं, उन्होंने बेटा चेंज कर लो। हाँ, उनको अफसोस नहीं हो कि यार इतना अच्छा नाम रखा है? नहीं नहीं, उनको पता है ना, क्योंकि वो खुद इस लाइन के हैं भाई। तो आप खुद डिसाइड किया आपने नाम चेंज करना? यस, मैंने और जानी भाई ने, हमने सबने मिलके हमारी टीम ने डिसाइड करा कि हमें नाम चेंज करना चाहिए। जैसे जानी भाई का वो अपने गांव का नाम लगाते थे पहले, जानी के दड़बा, तो उन्होंने जानी करा। तो मैं ट्राई करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग बी प्राक, लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग प्रतीक बच्चन। हाँ देखो आए, है ना फर्क? फर्क है नाम में, बहुत फर्क है वो मैंने नोटिस किया। नाम
बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके नाम से बहुत कुछ चलता है और बिगड़ता है। कभी बिगड़ा नाम की वजह से? देखो भगवान की दया, बाकी चलता रहता है। जानी भाई और आप जय वीरू की जोड़ी है कि नहीं? कभी इनसिक्योरिटी होती है कि जानी किसी और के लिए गाना लिखेगा तो क्या होगा? मेरे को कभी नहीं होती, वो जिनके लिए लिखते हैं उनको होगी। मेरे को कभी नहीं होती है, क्योंकि मेरे को पता है कि वो हर एक के लिए बेस्ट लिखते हैं, तो मेरे लिए और बेस्ट लिखते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं रहता कि जानी उनके लिए मत लिखो? नो हाँ, मैं कभी इनसिक्योर, मैं इनसिक्योर इंसान ही नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेके। मेरे को अब फिर मैं जब मैं इनसिक्योर ही हो गया, इसका मतलब कि मेरे को अपने आप पर भी भरोसा नहीं है, अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है। तो मेरे को अपने टैलेंट पे भरोसा है, मेरे को अपने भगवान पे भरोसा है। आपको हमेशा टैलेंट पे भरोसा था? यस। आरडी सांधू हो, दिलजीत पाजी हो, एमी पाजी हो, गिपी पाजी हो, क्या आप लोग सब अच्छे दोस्त हैं? बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं। पार्टी वार्टी करते हैं साथ में? मतलब कि पार्टी वूटी, हाँ वो पार्टी भी कर लेते हैं। हाँ, जब मेरे घर में कुछ होता है, उनके घर में होता है, हम जाते ही। इनमें से कौन आपसे सबसे करीब है और क्यों? सारी करीब है, सारी एक दूसरे के गाने। मैं इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से पहला एक इंसान होऊंगा जिसकी ऐसे किसी के साथ उल्टी सीधी बात है ही नहीं, सबके साथ अच्छी बात है। तो आप लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हो कि ये ठीक लगा गाने में, ये ठीक नहीं लगा गाने में, ऐसे करते हो आप लोग? बहुत कम, गाने के बारे में बात ही नहीं करते हो? चलते रहते हैं गाने के बारे में, क्या जब काम की बात बहुत ज़्यादा नहीं होती। काम की बात अगर हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तब हो जाती है, अदरवाइज ठीक है, नॉर्मल। आपकी आवाज़ बहुत अलग है, ठीक है। कभी आपको ये फीडबैक मिला कि शायद लीड फिल्म एक्टर पर जचेगी नहीं क्योंकि आपकी आवाज़ अलग है, ऐसा फीडबैक कभी आपको मिला था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे को लगता था यार कभी जचेगी मेरी किसी एक्टर के लिए आवाज़, तो वो मेरे ख्याल से सबसे इंडिया के सबसे बड़े एक्टर पे ही जच रही है। हाँ, तो क्या आप अभी कह सकते हो कि आप अक्षय कुमार की आवाज़ हो? सर मैं ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़, ये मैं कैसे बोलूँगी, मैं हाँ ये भी आप ऐसे भी ले सकते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे तो कह सकते हैं। हाँ, मतलब कि देखो उन्होंने तेरी मिट्टी में देखो मेरे को मौका दिया है, फिर उसके बाद हर चीज़ में ही हमें मौके दिए उन्होंने। ये लगाव कैसे हुआ दोनों अक्षय और आपके बीच में, कैसे हुआ, कौन सा इंसिडेंट था जो आपको जोड़ा? तेरी मिट्टी, कुछ बताओ ना बिहाइंड तेरी मिट्टी ने मुझे, या तो मेरे को मेरी ज़िंदगी में मन भरिया ने बहुत कुछ दिया या तेरी मिट्टी ने बहुत कुछ दिया। तो तेरी मिट्टी जब हम शूट करना था वो गाना, मेरे सिंक पार्ट होने थे, तो मैं यशराज में और अजीम दयानी जी हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिनकी वजह से बहुत कुछ चलता है हमारी ज़िंदगी में, तो वो लेके गए मुझे। तो अक्षय सर सामने खड़े हुए थे और ऐसे खड़े थे सामने, तो अभी जिसको हम बचपन से देख रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही बड़ी बात है वो, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि हम जहाँ से आए हैं और जैसे जैसे काम करके आए हैं, वो या तो मैं और जानी भाई जानते हैं या हमारा खुद जानता है, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि वो जो वो मोमेंट था ना मेरे लिए ज़िंदगी में, वो बड़ा ख़तरनाक मोमेंट था। वो आके मेरे सीधा, मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं करा, कंधे पे हाथ रख दिया। अब एक इंसान आ रहा है इतना बड़ा, जिसको आप मतलब कि शुरू से आपका सपना है, वो आपके कंधे पे आके ऐसे हाथ रख रहा है भी, यार तूने मेरी ज़िंदगी, और एक ही बात बोली कि तूने मेरी ज़िंदगी का, मेरे करियर का सबसे बेस्ट सॉन्ग गाया, इससे बड़ी बात मेरे लिए ज़िंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकती थी। जब मैं तेरी मिट्टी सुनता था और सुनता हूँ, कभी कभार मैं इवेंट्स करता हूँ जहाँ पे लोगों को बोलता हूँ फ़ोन की लाइटें चालू करो और वेव करो और तेरी मिट्टी बजती है, आधे लोग जो ऑडियंस में उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब आप ये गाना गा रहे थे या अब सुनते हैं, आपकी आंखों में आंसू आते कभी कभार? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और आने भी चाहिए। आपके देश के लिए गाना है, जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं।
मुझे लगता है हनी पाजी और आपका बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, जब भी उनका मन हो। क्या आपने उनसे रीच आउट करने की कोशिश की? हमने एक दो बारी करी है, बट वो मेरे ख्याल से कोई बात अभी चल रही है, देखेंगे कभी। अभी जिंदगी में 100% करूंगा मैं। तो आपने एक्सप्रेस किया कि आप जैम उनके साथ करना चाहते हैं? या 100% मैं हर एक के साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे को कोई इंसान है नहीं ऐसा जिसके साथ नहीं करना चाहता। मैं हर लैंग्वेज में गाना करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की हर लैंग्वेज में गाना करना चाहता हूँ। और अगर कोई करवाना चाहता है तो करवा ले प्लीज़। ये देखिए भाईजान बैठे हुए हैं, तमिल तेलुगु सब बी प्राक। हाँ, हर लैंग्वेज में। पर मैं जानना चाहता हूँ हनी पाजी का क्या रिस्पॉन्स रहा है जब आपने कहा कि आप उनसे काम करना चाहते हैं? वो कहते हैं 100% करेंगे तो होगा। माने कभी होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा ने रांझा का एक और वर्जन बनाया अपनी शादी के लिए। हाँ जी, आपने सुना वो? हाँ जी सुना। कैसा लगा? अच्छा है। या अच्छा दिल से? हाँ लहदा से। मैं कह रहा हूं कि मैं इनसिक्योर इंसान बिल्कुल नहीं हूं। वो जितना मेरा वाला चलना था वो चल गया। वो सारी जिंदगी अपना ही रहना हो। वो कौन सा आपका एक गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है पर शायद निकला नहीं उस लेवल तक और अफसोस हुआ? यार वो कौन सा गाना था? कोई तो गाना था मेरा, मैं भूल गया यार वो। अरे खुद के गाने भूल गए आप? मतलब के क्योंकि ज्यादातर लोगों ने थोड़े बहुत चला ही दिए हैं, बट मेरे को लगता है। हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि जो हमने नहीं सोचा था वो चले हैं। वो बताओ। जैसे झांझर गाना एक आया था। हाँ। मैंने झांझर बनाड़ा पैर दी, वो हमने कभी नहीं सोचा था कि वो गाना ऐसे कभी। हाँ। चलेगा। वो इतना चला, इतना चला, वो ऐसे टाइम पे चल पड़ा जब बड़ा अजीब सा म्यूजिक चल रहा था। वो ऐसे टाइम पे वो गाना चल पड़ा। सो इसका मतलब मेलोडी ना जिंदगी में नहीं मरती है, कभी नहीं मरती मेलोडी। आप जैसे मर्जी, अभी मैं किसी को बोल रहा था, वो कहते हैं आप व्हाट इज अ चेंज इन द म्यूजिक, म्यूजिक में चेंज क्या आया? सो आई सेड कि आप आज की डेट में पॉपुलर लोगों को सुन रहे हैं, आप टैलेंटेड लोगों को नहीं सुनते। तो पॉपुलर लोग और टैलेंटेड में फर्क है? 100% है। जैसे कि सम पीपल आर पॉपुलर एंड टैलेंटेड, सम आर ओनली पॉपुलर and some only talented. Yes. So, मैं वही उनको भी बात बोल के हटा कि बहुत पुराने जमाने से तो मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हूँ। सो 90s, 95, 2000, 2010 तक जो म्यूजिक था वो म्यूजिक वो था, 2015 भी लगा लो आप, वो म्यूजिक था कि आप म्यूजिक सुनते थे, टैलेंटेड लोगों को सुनते थे। आप ये नहीं सुनते थे, ये नहीं सोचते थे कि वो कितना पॉपुलर है। वो आप गाना सुनते थे कि वो गाना अच्छा गा रहा है, वो गाना अच्छा बना है, वो कैसा दिख रहा है, कैसा ये कर रहा है। नो अब लोग कहते हैं कि हु इज पॉपुलर, लेट्स सी दैट चिकिंग। हाँ, व्हाट सॉन्ग इज गोइंग पॉपुलर? वो सॉन्ग में चाहे देले का दम ना हो, बट यू लिसन टू इट बिकॉज़ इट्स ऑन द टॉप लिस्ट। अच्छा मैं जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ, आप एक पॉपुलर आर्टिस्ट को देखते हो सामने, पर अंदर ही अंदर आपको मालूम है आपको उनकी गाने पसंद नहीं है, आपकी शक्ल में दिखता है वो नहीं? क्यों दिखेगा? तो आप क्या करते हो, मतलब छुपा के रखते हो? छुपा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक अकेला ऐसा इंसान होऊंगा इस इंडस्ट्री का जिसकी सबके साथ बहुत अच्छी। अरे मान के चलो मैं पॉपुलर आर्टिस्ट हूँ, आपके सामने आया, मन में आपके मालूम है मेरा, मैं ही पॉपुलर आर्टिस्ट हूँ। आप पॉपुलर और टैलेंटेड हो, फर्क है। देखो टैलेंट उनमें भी है बट वो तरीका अलग अलग है थोड़ा। अरे पाजी भी आप घुमा रहे हो। नहीं मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा। सी पॉपुलर व्हाट आई टोल्ड यू, देयर इज पॉपुलैरिटी, देयर इज टैलेंट। आज के जमाने कितने ज्यादा है पॉपुलर ज्यादा है लोग कि टैलेंटेड ज्यादा लोग हैं? पॉपुलर ज्यादा है ना। कभी कभार मैं देखता हूँ कुछ सिंगर्स की इंस्टाग्राम फॉलोइंग वहां तक है, और मैं सोनू निगम को देखता हूँ, तो क्या वो लोग जिनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग उस मुकाम तक है क्या वो सोनू निगम से ज्यादा बेटर सिंगर है? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टाग्राम आपका कुछ ये नहीं दिखाता कि आप कितने बड़े सिंगर हो। मेरा इंस्टाग्राम 8 मिलियंस है,
और कईयों का इंस्टाग्राम 3 मिलियन है, अरिजीत सिंह का इंस्टाग्राम 5 मिलियन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मैं उनसे बेटर हो गया या मेरे फॉलोअर ज़्यादा, नो, पते की बात। ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं वो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं बताते हैं मेरे भाई, आपकी पॉपुलैरिटी आपके टैलेंट ने बताना, आपके काम ने बतानी है। पर आप पॉपुलैरिटी, लेट मी रीफ्रेज, सक्सेस ऑफ गाना कैसे जज करते हो? रील्स के आधार पर कि इतने सारे लोगों ने रील्स, आजकल के रील्स के आधार पर जज करते हैं लोग, आप? मैं नहीं करता। आप किस पे आधार? मैं गाने के उस पर वो करता हूँ जो मेरे को पसंद, ऐसा गाने बहुत सारे गाने आज की डेट में चल रहे होंगे जो लोगों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लोग क्लब्स में बजा रहे हैं, लोग यहाँ बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, वो कई बारी मेरे को नहीं पसंद आता, कई बारी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, कई बारी मेरे को सुन के अच्छे लगने लग जाते हैं, तो इनमें फर्क है। अच्छा, आज की डेट में बहुत बहुत चीजों में फर्क है, हम तारीफ कर देते हैं, वो जो पॉपुलर है वो नहीं करेंगे। तारीफ गाने की ठीक है, बट मैं ये कहूंगा सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करो। अरे पाजी, एंड में वो लाइन में हार दिया आपने। अरे अच्छा, मेरे भाई यार, हाँ, मैं कभी भी किसी की जिंदगी में निंदा नहीं करी। सच्चे थे और फिर एंड में डाल दिया। नहीं, मैं कभी भी, मैंने निंदा तो किसी की करी नहीं है, नहीं, किसी भी की भी नहीं। मैंने ये बोला कि आज की डेट में लोग कौन पॉपुलर है उसको, और ये जमाने की रीत है। तो टोनी कक्कर है यहाँ पे 8-9 मिलियन, हाँ शायद उससे भी ज्यादा, 10 मिलियन होंगे, 10-11 मिलियन, हाँ। अरिजीत सिंह 5 मिलियन है कुछ, हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो टोनी कक्कड़ अरिजीत से ऊपर हो गए, नो, फॉलोअर्स नहीं। सुनो दोस्तों, गौर से सुनो, टोनी इज आल्सो डूइंग हिज गुड वर्क एंड अरिजीत सिंह इज डूइंग हिज गुड वर्क, एवरीवन इज डूइंग देयर गुड वर्क, बट पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम फॉलोअर से नहीं है हमारे। मेरे को कई लोग ऐसे मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ जिनमें 0 नंबर टैलेंट है और उनके फोटो पे 5-5, 10-10 लाख लाइक आता है। सर वो तो रशियन और चाइनीज लाइक्स होते हैं सर। आई हैव सीन दैट, है ना, वो उनकी अलग, जैसे आप कोई भी टिकटॉकर्स लगा लो जो थे पहले, जैसे टिकटॉकर अब वो रील पे आ गए, तो उनके अलग फैन फॉलोइंग है, उनका अलग सिस्टम है, है ना। अब वो कई लोग, दे डोंट नो देम, दे डोंट, मैं कह रहा हूँ कि लोग उनको उनके टैलेंट से नहीं जानते। अच्छा, वो कई लोग उनकी शक्ल से उनको जानते हैं। टोनी कक्कर को सुनते हो आप? हाँ, जब गाना आता है कोई। 3 गाने बताओ जो अच्छा गाना, वो बताऊंगा जो मेरे को अच्छा लगता है गाना। ठीक है, एक उन्होंने बनाया था गाना नेहा कक्कड़ के साथ अपना, यार कौन सा गाना था वो, रोमांटिक गाना था, मेरे को इतना पता, वो केड़ा रोमांटिक गाना, पाजी नहीं, दोनों का ठीक है, फिर वो दो हो गया, हाँ। और तीसरा गाना मेरे को जो अच्छा लगा था, चलिए छोड़िए, अरिजीत सिंह के 2 गाने बता दीजिए जो पसंद है आपको। अरे सारे गाने पसंद है, बोलो ना 3 बेस्ट गाने। तीन बजे सबसे पहले जो मेरे को उसका गाना पसंद है, दैट इज चन्ना मेरेया, डन, ठीक है। फिर मेरे को केसरिया, 2 गाने बताने थे, और एक और बताओ, और तीसरा मेरे को जो बहुत पसंद है ना अरिजीत सिंह का, दैट इज कबीरा। ये देखिए, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। अरिजीत सिंह बोला मैंने आपने 3 गाने टक 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 बोल दिए। अरे टोनी भाई बोला आप इधर उधर सामने ऊपर नीचे। अरे मैं टोनी की कोई वो नहीं कर रहा भाई, नहीं, अच्छा तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है वो, वो तो प्यारा है सर आपके चक्कर में। चुम्मी भी दे रहा टोनी भाई, देखो देखो चुम्मी भी दे दो आप। बट मैं ये बस कहने की कोशिश कर रहा था जो आप कह रहे, मुद्दा वही है कि जो असल सिंगर होता है उसके गाने हम लोग को दिल से, दिमाग से, सोते वक्त, नहाते वक्त हमेशा याद रहेगा।
वो देखो फिर मैं फिर बात वही आ जाएगी घूम के बाद फिर वही आ जाएगी कि टैलेंट इज टैलेंट। इस जनरेशन का बेस्ट सिंगर कौन है? इस जनरेशन का सबसे बेस्ट सिंगर मेरे को लगता है वो एक ही है, वो सारी दुनिया को पता है। कौन? अरिजीत सिंह। इसमें आप इस चीज को डिनाई कर ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे कि मैं अच्छा सिंगर हूं, यस मैं भी अच्छा सिंगर हूं, बट अरिजीत सिंह विल बी अरिजीत सिंह फॉर लाइफ। मैं थोड़े अलग टाइप के गाता हूं, वो थोड़े रोमांटिक गाते हैं, मैं थोड़े सैड गाता हूं, मैं थोड़ा मेरे को लोग बोलते हैं चीखता है चिल्लाता है, बट वो चीखना चिल्लाना ही सबको पसंद है। आपको लोग बोलते हैं कि आप चीखता चिल्लाते हैं? बहुत बोलते हैं, बट आई लव इट। बट वही गाने, वही लोग मेरे गानों को सुनते भी हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो दिल तक पहुंच जाते हैं। वो सैड सॉन्ग जो है ना, वो जब तक आप चीख के चिल्ला के और उसको दर्द भर के नहीं सुनाओगे वो नहीं सुनेगा। अरिजीत सिंह अगर सैड गाते हैं वो अपने तरीके से गाते हैं, अगर वो रोमांटिक गा रहे हैं तो वो रोमांस दिखा देते हैं कि रोमांस ऐसे होता है। और मुझे लगता है कि हर इंसान का एक अलग तरीका होता है मोहब्बत दिखाने का, दुख दर्द दिखाने का। मैं जिस तरीके से दुखी होऊंगा वो उस तरीके से आप नहीं होंगे, राइट? यस, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना? 100%। कभी कोई अफवाह अपने बारे में सुनी जो आपने कहा यार ये कहां से निकली और हंसने लगे या बोले यार ये क्या है? रूमर बहुत चीजें हैं, बहुत सारी। जैसे कि एक तो बताओ। एक बारी मैं एक शो कर रहा था जयपुर में, हाँ, वो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग लगी लोगों को। सो वो मैं ये पहली बारी इस बात पे बोल रहा हूँ मैं। तो जब हम शो करते हैं हमारे इन ईयर्स लगे होते हैं। जी लगे होते हैं, ऑफ कोर्स इन ईयर्स लगे होते हैं। तो इन ईयर्स में आपको या तो अपने म्यूजिशियंस की आवाज़ सुन रही होती है या जो पीए पे पीछे बंदा बैठा उसकी आवाज़ सुन रही होती है। सो जानवी कपूर मेरे साथ में खड़े थे और मैं जयपुर में शो कर रहा था एंड लोगों ने जो हमारे लेट सिद्धू मूसे वाला है उनका नाम लेना स्टार्ट करा। तो जब उनका नाम लेना स्टार्ट करा तो आई वॉज लिसनिंग, ठीक है, और जानवी कपूर जब भी बोल रहे हैं तो मेरे को वो पीछे पीए से आवाज़ आ गई। सो मैं वो ध्यान से सुनने लग गया। सो वॉट पीपल थॉट दैट माई रिएक्शन चेंज ऑन हिज नेम। सो वो मेरे को पीए, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आई जस्ट डू लाइक दिस क्योंकि मैं पीए में आवाज़ सुन रहा था। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लोगों को क्या लगा कि आपका रिएक्शन ठीक नहीं? हाँ, रिएक्शन ठीक नहीं था। वाई आई, मतलब मेरा रिएक्शन गलत क्यों होगा? कभी भी नहीं होगा। और वह जानवी क्या बोल रही थी उस वक्त? कुछ भी नहीं, वो अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आए थे। सो मेरा रिएक्शन कभी गलत किसी को लेके नहीं हो सकता। तो जब इज अ लेजेंडरी सिंगर, ही विल बी अ लेजेंडरी सिंगर, इज अ वेरी नाइस सिंगर। आई नेवर मेट हिम, नेवर मेट हिम, बट भाई मैं आपको एक नई बात बोल देता हूँ कि जिंदगी में कभी किसी की इस ऐसी पॉपुलैरिटी जो मैंने सिद्धू मूसे वाला जी की देखी है, ऐसी पॉपुलैरिटी लाइफ में कभी किसी सिंगर की नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। वो चाहे 100 जन्म ले ले, पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम, आई हैव सीन दैट। हम जितने मर्जी बड़े गाने कर लें, जितने मर्जी बड़े, मैं जितने मर्जी बड़े कर लूं, अरिजीत सिंह जितने मर्जी बड़े कर लें, जो मर्जी इस दुनिया में जो बड़ा से बड़ा सिंगर गाना कर ले, बट द पॉपुलैरिटी, द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी, द लेवल ऑफ मैडनेस इन फैन फॉलोइंग जो उनकी है, वो कभी भी हमारे लेवल में, मतलब कि हमारा लेवल वहां तक पॉपुलैरिटी में, फैन फॉलोइंग में नहीं पहुंच सकता। क्या बात है ना, अग्री बाची। कभी आपने कहा मुलाकात नहीं हुई ना दोनों की आपकी? नहीं, कभी भी। उनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई आपकी? नहीं सर। आई मस्ट से कि जहां पे भी है मुझे यकीन है हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है। वी लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। और कुछ नहीं होगा।